दर्शकों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस मुकदमे का भाव है। कर्जे के लिए भी इसी भाव को देखा जाता है। छठे भाव में शुक्र उच्च का मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि के साथ बैठे तब ये शुभ फल करेंगे। यहाँ पर ये मित्र राशि शत्रु क्षेत्री और नीच का होंगे तो इनके शुभ फल की अपेक्षा न के बराबर हम कह सकते हैं और वास्तव में नहीं मिलता है इनका शुभ फल जब ये शत्रु राशि का नीच राशि का हो। तब मित्र राशि में भी इनका कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। शुक्र जब छठे भाव में उच्च का मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि का बैठेगा तो जातक प्रबल शत्रुहंता बनेगा। छठा भाव कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करता है। यदि जातक किसी समय कारणवश, जरूरी नहीं है कि शुक्र की दशा या अंतरदशा आए तभी, किसी अन्य ग्रह की दशा या अंतरदशा में भी कर्ज ले लेता है अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो शुक्र यहाँ पर जातक को ऋण से मुक्ति प्रदान करता है। शुक्र का यह एक शुभ फल है जो आपको जल्द देखने को नहीं मिलेंगे। छठे भाव में शुक्र कारक होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शुक्र छठे भाव में होकर शुभ फल करेंगे किंतु ये यहाँ पर पाप प्रभाव से रहित हों। यदि शुक्र पाप प्रभाव में रहेंगे तो ये अपनी दशा अंतरदशा में इसके बावजूद भी पाप प्रभाव में रहेंगे, तब भी शुभ फल ही करेंगे, लेकिन ये आपको रोग भी देंगे। अब कारण क्या है कि ये रोग देंगे? छठा भाव रोग का भाव है और शुक्र भोग का कारक ग्रह है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है। अब आप एक सीमा से बाहर ज़्यादा भोग करेंगे, सीमा से बाहर आप भोग करेंगे, अपने खान पान का, दिनचर्या का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपको रोग भी दे देंगे। और अकेला रहने पर जल्द रोग नहीं देते, विशेष रूप से राहु के साथ, केतु के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ, यानी जो भी पापी ग्रह के साथ बैठे तो ये रोग दे देते हैं। उसमें भी जातक यदि अपने दिनचर्या का, अपने भोजन का, खान पान का अच्छा ध्यान रखता है तो कोई ये समस्या नहीं देते, लेकिन जल्द ऐसा हो भी नहीं पाता। पाप प्रभाव में रहेगा तो जातक सोचता है कि मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, खूब वो भोग करता रहता है और कई बार तो शराब का भी शिकार बना देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के लिए द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बन जाता है और वो छठे भाव में चला जाएगा, पापी ग्रहों से दृष्ट होगा। तब इसके साथ ही आपको विचार करना है कि द्वितीय भाव में भी पाप ग्रह होगा तभी ये पूर्ण रूपेण बुरे फल को फलीभूत कर पाएगा और इनकी दृष्टि भी बारहवें भाव पर जाएगी। हालांकि बारहवें भाव में ये अत्यंत विशिष्ट कारक हो जाते हैं, लेकिन उस भाव में बैठे नहीं ना हैं, ये दृष्टि दे रहे हैं तो ये भी शुभ फलदायी नहीं रहेगी जातक के स्वास्थ्य के लिए। मैंने आपको बताया तो मान लिए कि ये शुभ फल ही करेगा। यदि ये शुभ फल नहीं कर सकता तो ये बुरा फल भी नहीं करेगा, अपने बुरा फल से आपको बचाने का ही काम करेगा। ये एक बात आप ध्यान में रख लीजिए।